XBRL, that is Extensible Business Reporting Language. सबसे पहले अगर मुझे आप लोगों को कुछ अच्छी खासी नोट्स देनी हो तो वो नोट्स देते वक्त आपको पढ़ने के लिए आसानी हो या फिर आपको रीडिंग ईजी हो, इसलिए मैं वर्ड फॉर्मेट में बनाऊँगा। अगर वही मुझे अगर कुछ अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स सॉल्व करके देने हो या फिर ऑनलाइन सिखाने हो तो वो एक्सेल फॉर्मेट में आसानी से सिखा सकते हैं। अगर कोई स्लाइड्स या फिर कुछ पिक्चर्स आप लोगों को दिखाने हो तो वो उसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनाऊंगा, राइट। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो इंडिविजुअल कंपनी की होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिसे प्रिपेयर हम लोग करते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना हम लोगों ने मैन्युअली सीखा है। लेकिन अगर वही हम लोग कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज में या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में प्रिपेयर करें तो उसके लिए कौन सा प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, या फिर उसी हिसाब से जो हम लोग मैन्युअली सीखते हैं उसी तरह से ही प्रेजेंट करना चाहिए, ये अलग अलग लेवल की अलग अलग नॉर्मल प्रेजेंटेशन टेक्निक्स होती हैं। सेम उसी तरह से उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से प्रेजेंट करना, रिपोर्ट करना, ये हमारा XBRL जो एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज है वो प्रोवाइड करता है। एक्चुअली है क्या, तो XBRL स्टैंड्स फॉर द एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज। ये एक इस तरह की लैंग्वेज है जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो होता है बिजनेस का और फाइनेंशियल डेटा का वो फैसिलिटेट करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कहीं पर एक जगह पर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट में हम लोग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट करते हैं जो कि यूनिवर्सली हेल्पफुल हो। चलो एक के बाद एक देखते हैं इनके अंडर आने वाले पॉइंट्स। पहला आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है, द XBRL इज अ फ्रीली अवेलेबल एंड अ ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर एक्सचेंजिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, इट इज अवेलेबल इन नेचर फ्री, कहीं पर भी कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी पड़ती है। XBRL अलाउज द एक्सप्रेशन ऑफ सिमेटिक मीनिंग कॉमनली रिक्वायर्ड इन द बिजनेस रिपोर्टिंग। मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल बिजनेस टर्म्स होते हैं उन बिजनेस टर्म्स को यहाँ पर वो अच्छे से एक्सप्लेन करके देते हैं। द लैंग्वेज इज XML बेस्ड एंड यूज द XML सिंटैक्स and related to the XML technologies such as XML Sigma, XLink, XPath and Namespace etc etc etc. जो XML मतलब ऑनलाइन बेस जिसे हम लोग कहते हैं, वो ऑनलाइन वेब बेस ये एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उसे हम लोग यूज़ करते हैं। तो उनके लिए इन तरह के डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं। वन यूज ऑफ XBRL इज टू डिफाइन एंड एक्सचेंज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूज जो XBRL का है वो क्या है, तो हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ईजिली एक्सचेंज करते आए, मतलब ईजिली उसे हम लोगों को रीड करते आए, एनालाइज करते आए, उसके ऊपर हम लोगों को डिसीजन लेते आए, इसलिए XBRL का यूज होता है। द XBRL स्पेसिफिकेशन इज डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय द XBRL इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन। किसने डेवलप किया है, तो XBRL इंटरनेशनल इनकॉर्पोरेशन, जो कंपनी का नाम है वही उनका काम है, राइट। XBRL इज अ स्टैंडर्ड्स बेस्ड वे टू कम्युनिकेट द एक्सचेंज बिजनेस इंफॉर्मेशन बिटवीन द बिजनेस सिस्टम्स। दीज कम्युनिकेशंस आर डिफाइंड बाय द मेटा डेटा सेट आउट इन द टैक्सोनॉमीज which capture the definition of individual reporting concept as well as the relationship between the concepts and other semantic meaning. Information being communicated or exchanged is provided within an XBRL instance. जो XBRL का एक सॉफ्टवेयर है, उस XBRL के सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब अगर हम लोग शेयर होल्डर्स फंड हो या फिर ओनर्स इक्विटी कहते हैं उसे, या फिर प्रोपराइटर्स फंड कहते हैं, साथ ही साथ में हमारी फाइनेंशियल असेट्स होती है, कोई फिक्स असेट होती है, उन सभी को अलग अलग आइटम्स के साथ साथ इस तरह की रिपोर्टिंग इजीली करते आए, ये हमारा फंक्शन भी होता है। XBRL जो होता है, अगर हम लोग ये ओपन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि जो कि नॉर्मली XBRL इंटरनेशनल से जाना जाता है, राइट। जनरली XBRL जो होता है वो मोर देन 50 कंट्रीज में यूज होता है। एवरी ईयर जो XBRL के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मिलियंस में प्रोड्यूस होते हैं और रिप्लेस किए जाते हैं ओल्डर पास बेस्ड रिपोर्ट्स पर।
कुछ XBRL के डॉक्यूमेंट्स यूजफुल होते हैं, कुछ इफेक्टिव होते हैं और एक्यूरेट भी होते हैं, राइट। XBRL जो डिज़ाइन किया था वो डिज़ाइन क्यों किया गया होगा, तो नॉर्मली जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स हैं अकाउंट्स के, उन ट्रेडिशनल अकाउंटिंग फॉर्मेट को रिप्लेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्मेट्स कहीं पर आने चाहिए, इसलिए XBRL डेवलप किया गया था, राइट। जिसमें अलग अलग टैग्स डिज़ाइन किए गए, ये टैग्स कौन कौन से होंगे, तो जैसे कि कैटेगराइज किया गया कि रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल टर्म्स, कैटेगराइजिंग अलग अलग, देन रिलेशनशिप होती है जो डेटा को एनालाइज करती है, उनके हिसाब से अलग अलग टैग्स रेडी किए गए। उन टैग्स के साथ साथ जो XBRL है वो XBRL क्या हुआ, तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में इम्पोर्टेंट साबित होने लगा। क्यों? क्योंकि जनरली XBRL यूज़ करने से वजह से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसे कम्युनिकेट करनी होती है, उन कम्युनिकेट करने वाली इंफॉर्मेशन को यहाँ पर ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर सके, राइट। अगर हम लोग फीचर्स के बारे में सोचें तो XBRL के कुछ फीचर्स जो हमें यहाँ पर सीखने हैं, उनमें से ये सारे ऑप्शंस, पहला आता है इंटीग्रेशन विद द MCA। MCA क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज अफेयर्स, उनके साथ इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन मतलब क्या? सीमलेस इंटीग्रेशन। जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज अफेयर्स की, उन मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज अफेयर्स की वेबसाइट के साथ हमारी डिफरेंट XBRL कंपनीज, सॉरी जो कंपनीज हैं वो XBRL फॉर्मेट जो यूज करती हैं वो डायरेक्टली MCA की वेबसाइट से अटैच्ड है, राइट। फर्स्ट अपडेटेड इन्फो फ्रॉम द MCA वेबसाइट बाय एंटरिंग द DIN, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर CIN, राइट। ये एंटर करने के बाद MCA की वेबसाइट से जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली वो MCA के सॉफ्टवेयर में वहाँ पे ऑटो इंक्लूड हो जाती है, और उसके हिसाब से वो जो कोई भी ट्रांजैक्शंस होता है, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो GST से रिलेटेड हो, चाहे वो कुछ रेट्स या कमीशन से रिलेटेड हो, प्रोसेसिंग फीस से रिलेटेड हो, वो सारी इंफॉर्मेशन या नॉर्म्स हो, वो उसके हिसाब से वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंजेस करते जाता है। सेकेंड थिंग क्या है, वैलिडेट द XML फाइल यूजिंग द MCA यूटिलिटी विद इन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। जो वैलिडेट करनी होती है, XML फाइल मतलब क्या, कोई भी हमारी कंपनी होती है उस कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए हम लोग इनकम टैक्स के पर्पज से हिसाब से अपलोड करते हैं, उसे अपलोड करते वक्त वैलिडेट करना ज़रूरी होता है। ये वैलिडेशन भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वहाँ पे इस वजह से कि डायरेक्टली इंटीग्रेट होने की वजह से वो फैसिलिटेट अच्छे से हो जाए। जनरेट अ रेडी टू अपलोड XML फाइल एंड अपलोड ऑन द MCA वेबसाइट। क्या होता है कि XBRL डायरेक्टली कनेक्ट होने की वजह से वहाँ पे ऑलरेडी वैलिडेटेड फाइल जनरेट होती है और जिसे हम लोग MCA की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट के लिए और अदर यूजर्स के लिए उसे वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं या फिर उसे हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली। सेकेंड पॉइंट जो फीचर्स में है वो है एक्सेल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सेल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मतलब क्या, जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फंक्शनलिटी है वो एक्सेल टेम्पलेट्स जो होते हैं उन एक्सेल टेम्पलेट्स में हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं या फिर उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। एक्सेल टेम्पलेट डायरेक्टली जहाँ पर फॉर्मूलाज या फिर कुछ वैल्यूज या कुछ अदर फीचर्स वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड होंगे, उन सभी जनरेटेड फिगर्स के साथ हम लोग उस पर्टिकुलर एक्सेल फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी इंडिविजुअल कंपनी के जो फाइनेंशियल डेटा है उसमें हम लोग एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फार्मूलाज यूज किए हुए हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे अडॉप्टेड है, उन फार्मूलाज की वजह से जो नंबर ऑफ कैलकुलेशंस होते हैं वो नंबर ऑफ कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली जनरेट होकर वहाँ पे मिल जाते हैं। इन सभी को अपलोड भी करना या फिर एडिट डेटा एडिट करने के लिए या फिर एक्सेल टेम्पलेट जो ऑलरेडी प्रीफिल्ड होगा वो हम लोग को डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल होता है। थर्ड पॉइंट क्या है, दैट इज प्रिपेयर एंड फाइल अनलिमिटेड रिटर्न्स विद XBRL टूल। XBRL टूल क्या प्रोवाइड करता है कि जो कंपनी और इंडेक्स या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं या फिर नॉन इंडेक्स या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, उन सभी जहां पर रिक्वायर होगी उन सभी जगह पे ऑलरेडी अलग अलग टाइप के जो रिपोर्ट्स हैं वो जैसे कि हमारे रिटर्न्स फाइल करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वैसे अनलिमिटेड टाइम्स हम लोग रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं इस XBRL सॉफ्टवेयर की वजह थ्रू।
राइट. नेक्स्ट इन इंटरलिंकिंग, फोर्थ पॉइंट है इंटरलिंकिंग. इंटरलिंकिंग में होता क्या है, द डिटेल्स फर्निश्ड इन वन फाइल वन फील्ड इज ऑटो पॉपुलेटेड इन ऑल रिलेटेड फील्ड्स, गेट स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस टू प्रिपेयर एंड फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर्च इन एनी पेज फील्ड और पेज फ्रॉम वन सर्च बॉक्स एंड फैसिलिटी टू सर्च विद द टैग्स. मतलब जो कोई भी हम लोग एक्सेल फाइल डाउनलोड करते हैं, XML फाइल डाउनलोड करते हैं, उसे डाउनलोड करने के बाद जो ऑलरेडी इंक्लूडेड फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज की वजह से अगर एक रिलेटेड फील्ड डिफरेंट डिफरेंट जगह पे या डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स के अंडर रिकॉर्ड होने वाली होगी, तो वो ऑटोमेटिक एक जगह से अलग अलग लेवल से रिकॉर्ड हो जाती है. इसके लिए हम लोग कहते हैं इंटरलिंकिंग. साथ ही साथ हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं रेगुलरली, वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमें रिक्वायर चाहिए. टैग्स जो हम लोग इंडिविजुअल आइटम्स के लिए या ग्रुप ऑफ आइटम्स के लिए अलग अलग टैग्स यूज करेंगे, उन टैग्स के थ्रू भी हम लोग इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी फिक्स असेट, तो फिक्स असेट में आने वाली गुडविल या अगर हमारी इंटेंजिबल असेट्स होगी, तो गुडविल को हम लोगों ने एक जगह पे रिकॉर्ड कर दिया, तो उसे हम लोगों को दिखने वाली ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक और साथ ही साथ में ओवरऑल कैलकुलेशंस अगर अमोर्टाइजेशन या डिप्रिसिएशन के होंगे, तो वो भी वहाँ पे दिखते हैं. इसलिए हम लोग इंटरलिंकिंग का एक फीचर यहाँ पर कंसिडर करते हैं. ऑडिट ट्रेल्स. ऑडिट ट्रेल्स क्या होता है, अटैच द वर्किंग पेपर्स इन सपोर्ट ऑफ एनी फील्ड, प्लेस फुट नोट्स और स्टिकी नोट्स इन एनी फील्ड, डिफाइन रोल्स एंड राइट्स ऑफ यूजर्स, क्रिएट डिफरेंट लेवल ऑफ यूजर फॉर अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अ कंट्रोल. ऑडिट ट्रेल्स का मतलब होता है जब भी कभी ऑडिट परफॉर्म होगा, चाहे वो इंटरनल ऑडिट हो या फिर एक्सटर्नल ऑडिट हो, उस इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, जो सर्च करने वाले हैं, वेरीफाई करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग को जो कोई भी वर्किंग पेपर्स चाहिए होते हैं या मेंटेन करने होते हैं, वो वर्किंग पेपर्स हम लोग वहाँ पे मेंटेन उसी XBRL के फॉर्मेट में कर सकते हैं. साथ ही साथ में अगर कहीं पर कमेंट करने की ज़रूरत पड़े या फिर फुटनोट्स लिखने की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पर भी हम लोग उसी जगह पे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा इंडिविजुअल जो काम करते हैं ऑडिटिंग के लिए, जिसे हम लोग ऑडिटर कहते हैं या फिर ऑडिट स्टाफ कहते हैं, उन ऑडिट स्टाफ की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पर मैंशन करने के लिए भी अलग से फैसिलिटी XBRL फॉर्मेट्स में अवेलेबल है. राइट. नेक्स्ट आते हैं ऑटो कैलकुलेशन. ऑटो कैलकुलेशन जो होता है, वो ऑटो कैलकुलेशन रिलेटेड टू द वेरियस फील्ड्स, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स. दैट इज़ फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोगों को टोटल असेट्स कैलकुलेट करनी होगी, टोटल असेट्स कैलकुलेट करते हो हमें उसमें इंक्लूड करने वाली फिक्स्ड असेट, इन्वेस्टमेंट और हमारी वर्किंग कैपिटल, इनके अंदर आने वाले अलग अलग आइटम्स के लिए सब हेडिंग्स की टोटल, मेन हेडिंग्स की टोटल, उसके साथ कुछ एडलेस कैलकुलेशंस और फाइनली टोटल असेट्स के कैलकुलेशन, ये ऑटो कैलकुलेशन वहाँ पे प्री फिल्ड फॉर्मूलाज की वजह से पॉसिबल होती है. ओके. नेक्स्ट आते हैं, दैट इज अ सिंप्लीफाइड वर्क फ्लो. अब सिंप्लीफाइड वर्क फ्लो मतलब क्या, द पावरफुल डैशबोर्ड टू असिस्ट यू इन अ सर्चिंग एंड कंट्रोलिंग द क्लाइंट्स. Powerful dashboard to assist you in searching and controlling the clients. Then search companies on CIN, customer identification number, companies in identification number, ya fir name of the company, ya fir PAN of the company. Then saath hi saath get instance access to records of a client pertaining to the multiple years. Configure email IDs and send emails to the client directly from the tool. जो कोई भी हमारे इंडिविजुअल XBRL की इंफॉर्मेशन होती हैं, वो इंफॉर्मेशन CIN कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर या डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू या फिर कंपनी के पैन कार्ड पैन नंबर थ्रू हम लोग वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं. जो डैशबोर्ड होता है, वो डैशबोर्ड हमारे हेल्पफुल जो
वर्क फ्लो होता है, जैसे हम लोगों को रिकॉर्ड किस तरह से करना है, कहाँ पर रिकॉर्ड करना है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हम लोगों को जनरेट करनी होती है, या ऑटो जनरेटेड रिपोर्ट किस तरह से देखनी होती है, उसे डाउनलोड कैसे करनी होती है, ऐसी अलग अलग इन्फॉर्मेशन XBRL में ऑलरेडी दी हुई है। तो जिसकी वजह से जो हमारा इंडिविजुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड या अकाउंटिंग प्रिपरेशन होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो ईजिली हो सकता है। नेक्स्ट आता है सपोर्ट के लिए। तो सपोर्ट के पॉइंट में क्या दिया हुआ है, गेट सपोर्ट थ्रू द मल्टीपल वेज, दैट इज स्काइप कॉल या फिर व्हाट्सएप, टीम व्यूअर एटसेट्रा, मतलब अलग अलग एप्लीकेशंस के साथ हम लोग इसे कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें डायरेक्टली उसे शेयर भी कर सकते हैं। गेट इंस्टेंट सपोर्ट फ्रॉम द प्रोफेशनल्स एंड डेवलपर्स, जो हमारे XBRL कंपनी है उन XBRL कंपनीज के लिए जो सपोर्ट्स से संबंधित, जैसे हम लोग कस्टमर सपोर्ट्स कहते हैं, तो ऐसे सपोर्ट इजीली अवेलेबल होते हैं। एक्सटेंडेड आवर सपोर्ट अवेलेबल ड्यूरिंग द पीक इनिंग्स, मतलब पीक टाइमिंग सॉरी, तो जहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज आती है, जैसे कि अगर फाइनल रिटर्न्स फाइल करने हो या MCA की वेबसाइट पे हमारे रिपोर्ट्स अपलोड करने हो, तो उस टाइम पे बहुत सारी कंपनियाँ इन टाइम पे काम करती है, तो जिसकी वजह से आने वाले प्रॉब्लम्स फेस करती है और वो प्रॉब्लम्स वहाँ पे इन सपोर्ट स्टाफ के थ्रू सॉल्व करके लेती है। तो अगर वो नहीं सॉल्व हो गए तो अलग से कुछ एक्स्ट्रा आवर्स, जिससे हम लोग अदर देन बिजनेस आवर्स भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है XBRL कंपनी के थ्रू। ये सभी XBRL जो हम लोग सीख रहे हैं, ये XBRL अप्लीकेबल किसे है, तो XBRL जो है वो अप्लीकेबल इन कंपनीज का फॉर्मूला FY 11-12, फाइनेंशियल ईयर 11-12 से आगे जो एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल कंपनीज हैं वो यहाँ पर दी हुई है, आपको स्क्रीन पर दिख रही है। एप्लीकेबल कौन कौन सी कंपनी होगी, तो सबसे पहले अदर कंपनीज, ऑल कंपनीज टू वोम XBRL वॉज एप्लीकेबल फॉर द FY 10-11, FY फाइनेंशियल ईयर 10-11 को जहाँ पर अप्लीकेबल हुआ था किसी कंपनी को, तो उनके लिए ईयर फाइनेंशियल ईयर 11-12 और उससे आगे XBRL अप्लीकेबल रहेगा। दूसरा, लिस्टेड कंपनीज, ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड देयर इंडियन सब्सिडरीज जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड है, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर कोई अदर एक्सचेंज हो, अगर वो लिस्टेड है तो उनके लिए XBRL ये मैंडेटरी है। देन अनलिस्टेड कंपनीज, अगर कोई लिस्टेड कंपनीज नहीं है, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुई है, तो उनके लिए क्राइटेरिया है कि जिनका पेडअप कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा होगा या फिर टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा होगा, तो उनके लिए XBRL अप्लीकेबल होती है। तो अप्लीकेबिलिटी किन के लिए है, तो 1, 2, 3 and 4, ये 4 मेन क्राइटेरियाज हैं जिसमें आने वाले अप्लीकेबल फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 10-11 से कंपनीज के लिए, लिस्टेड कंपनी, ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड द कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल 5 crore एंड अबव, एंड लास्ट वन द टर्नओवर ऑफ अ कंपनीज ऑफ 100 crore एंड अबव, ये सभी अप्लीकेबल है। नॉट एप्लीकेबल, किसे अप्लीकेबल नहीं है, लिस्टिंग स्पेसिफिक हो या फिर सेक्टर स्पेसिफिक हो या फिर कैपिटल टर्नओवर स्पेसिफिक हो, जो कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है और ओवरसीज सब्सिडरीज है, जो कोई भी अनलिस्टेड कंपनीज हैं और ओवरसीज कंपनीज हैं उनके लिए ये अप्लीकेबल नहीं होता है। देन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पावर एंड NBFCs, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, पावर कंपनीज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनके लिए XBRL अप्लीकेबल नहीं है। फाइनली द कैपिटल टर्नओवर स्पेसिफिक, जो यहाँ पर जिनके लिए अप्लीकेबल था उससे अगर कम होगा तो वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? तो ये थी अप्लीकेबिलिटी। नेक्स्ट आते हैं यूजर्स के लिए, कौन कौन यूजर्स होंगे, तो हमारे जो XBRL के यूजर्स होते हैं वो ये डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटीज होती है। डिफरेंट अथॉरिटीज मतलब कौन कौन सी, तो नॉर्मली सबसे पहले आते हैं बैंकिंग रेगुलेटर्स। बैंकिंग रेगुलेटर्स मतलब जो हमारी RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्यों, क्योंकि अगर कोई कंपनी कहीं पर लोन सैंक्शन करना चाहती है तो उन लोन सैंक्शन करते वक्त वहाँ पे जिस किसी भी बैंकिंग कंपनीज के लिए लोन अप्लाई किया हुआ है उस बैंकिंग कंपनीज में ऑलरेडी कुछ ऐसा स्टाफ होता है जो इस तरह की
कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एनालाइज करता है और उन्हें एनालाइज करने के लिए XBRL फॉर्मेट में रिपोर्ट्स जनरेट करके एनालाइज करना आसान होता है, इसलिए वो इस तरह की सारी चीज़ें यूज करते हैं। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली अगर कोई स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड कंपनीज हैं तो उन सभी लिस्टेड कंपनीज को रेगुलेट करना और इन्वेस्टर्स का राइट अवेयरनेस के लिए इन्वेस्टर का अवेयर करके देना या फिर इन्वेस्टर का राइट प्रोटेक्ट करना, ये सारे जो फंक्शंस सेबी के हैं तो उन्हें कंपनी के लिए लिस्टेड कंपनीज के लिए ऑल लिस्टेड कंपनीज के लिए जो कोई भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल डेटा की दी हुई है वो ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं है ये एनालाइज करने के लिए XBRL रिपोर्ट्स वहाँ पे आसान साबित होते हैं, इसलिए वो भी इसे यूज करते हैं। देन जिस तरह से सेबी या फिर बैंकिंग रेगुलेटर्स हैं उसी तरह स्टॉक एक्सचेंज भी वहाँ पे इनको यूज करते हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है इंडियन कंपनीज एक्ट या इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर या फिर कोई प्रीवियस लेजिस्लेशन के अंडर रजिस्टर्ड है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन के वक्त जो कोई भी डेटा लगता है और उसके साथ साथ कुछ कंपनी की कॉरपोरेट अफेयर्स होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी के जो एनुअल शेयर होल्डिंग्स होते हैं या फिर शेयर इशूड होते हैं वो हमारे ऑथराइज लिमिट के ज़्यादा है या कम है, इस तरह की कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो वो सभी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से मिल सकती है, इसलिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज भी इसे इस्तेमाल करते हैं। टैक्स अथॉरिटीज एंड डेटा प्रोवाइडर्स, टैक्स अथॉरिटीज ऑब्वियसली टैक्स कैलकुलेशन या टैक्स पर्पज के लिए वहाँ पर यूज़ करते हैं और डेटा प्रोवाइडर्स मतलब जो कोई भी इंडिविजुअल कंपनीज होती हैं उन कंपनीज के लिए जो कोई भी सप्लायर्स होंगे या फिर डेटर्स होंगे या फिर हमारे फैक्टर्स होंगे या फिर फॉर्फिटर्स होंगे तो उन सभी के लिए जो कोई भी इंडिविजुअल डेटा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंसीडर होती है। नेक्स्ट, इसलिए उसे वो यूज़ करते हैं। कंपनीज इंडिविजुअल कंपनी या फिर आउटसाइड कंपनी, इंडिविजुअल कंपनी खुद के लिए अगर यूज़ करते हैं तो दूसरी कंपनी अगर कहीं पर इन्वेस्टर्स के लिए जगह होगी या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते होंगे तो वहाँ पर इसे वो यूज़ करते हैं कि उसे वो एनालाइज करें और फिर बाद में उसके ऊपर अलग अलग रेशियोज़ इन्वेस्टेबिलिटी रेशियोज़ हो या फिर EVA MVA अप्रोच हो या फिर कोई कैलकुलेशंस हो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की डिसीजंस फाइनलाइज करती हैं अदर कंपनीज। गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट कंपनीज को गवर्नमेंट को अगर कंट्रोल रखना है या फिर अंडरटेकिंग्स हो या फिर कोई इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी हो उन प्राइवेट कंपनीज पे कंट्रोल करना हो या फिर उनके एक्टिविटीज पे नज़र रखनी हो तो गवर्नमेंट भी इस तरह के XBRL जो कंपनीज ने प्रिपेयर किए होंगे उसे वहाँ पर कंसिडर कर दें या यूज़ में लेते हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे हम लोगों ने बैंकिंग रेगुलेटर्स के लिए देखा से उसी तरह से क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ अ कंपनी फाइंड आउट करने के लिए वहाँ पे यूज में लेते हैं। देन एनालिस्ट, इन्वेस्टर्स और अकाउंटेंट्स। एनालिस्ट कौन होता है? तो जो कोई भी हमारे रिसर्च एनालिस्ट होते हैं जो स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर प्राइस के लिए या फिर अलग अलग रिसर्च फॉर्म के लिए काम करते हैं वो इस तरह के XBRL रिपोर्ट्स अलग अलग लेवल के फॉर्मूलाज यूज करके अलग अलग रेशियोज यूज करके या फिर अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल यूज करने के लिए XBRL फॉर्मेट्स यूज करते हैं। इन्वेस्टर्स, जिस तरह से एनालिस्ट किसी अदर पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए एनालाइज करते हैं उसी तरह से इन्वेस्टर्स खुद के लिए वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा इसे फाइंड आउट करने के लिए XBRL स्टैंडर्ड्स के लिए प्रिपेयर किए हुए रिपोर्ट्स वहाँ पे यूज में लेते हैं। अकाउंटेंट्स, ऑब्वियसली अकाउंटेंट्स को प्रिपेयर करना होता है इसलिए उन्हें XBRL वहाँ पे यूज में लेना होता है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अगर हम लोग देखें तो पहला एडवांटेजेस आता है द प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज फॉर ऑल कंपनीज रिपोर्टिंग देयर फाइनेंशियल डेटा। स्टैंडर्डाइज, हर एक कंपनी की जो फाइनेंशियल डेटा होगी वो फाइनेंशियल डेटा एक जैसे दिखेगी, एक जैसे मतलब नंबर्स में नहीं एक फॉर्मेट में दिखेगी। जैसे हम लोग शेड्यूल 3 में वर्टिकल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखते हैं कि सबके लिए सेम सिमिलर होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी तरह से XBRL भी सबके लिए सेम होगा ताकि कंपैरिजन करने के लिए आसान हो। इट अलाउज इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर टू इजीली डाउनलोड एंड अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। जो XBRL होता है जिसे हम लोग कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स भी कहते हैं
वो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स इन्वेस्टर के लिए या फिर स्टेक होल्डर्स के लिए डाउनलोडिंग के लिए इजीली अवेलेबल होते हैं, जिससे वो इजीली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेटेड कुछ कमेंट्स भी दिए जाते हैं. देन प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस, टैक्सोनॉमीज जिसे हम लोग कहते हैं, फॉर द फाइनेंशियल टर्म्स यूज. ये लिस्ट ऑफ डेफिनेशंस कौन सी होगी, तो जो कोई भी अलग अलग टर्म्स दी हुई है, यूज की हुई है XBRL सॉफ्टवेयर में, वो सभी के सभी के लिए कौन सी इफेक्ट. सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग बोरोड फंड, ये हमारी टैक्सोनॉमी डेफिनेशन है, तो ये बोरोड फंड मतलब क्या है, तो उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन क्या होगा. तो बोरोड फंड मतलब ऑल द लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज विच आर बेरिंग द इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज जिसे हम लोग कहते हैं, ये सारी की सारी हमारी बोरोड फंड्स में कंसिडर की जाती है. तो इस तरह के एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो कोई भी लेमन उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है. देन सेव द टाइम इन एंटरिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल डेटा एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी. टाइम सेविंग, ये जो हमारा पॉइंट है, इसी के अंडर हम लोग इसे क्लासीफाई कर सकते हैं कि जो कोई भी हमारा फाइनेंशियल डेटा रिपोर्टिंग हो या फिर फाइनेंशियल डेटा की प्रिपरेशन हो या फिर रिपोर्ट्स की प्रिपरेशन हो, उन सभी के लिए इफिशियंसी कम लगती है या फिर टाइम जो होता है वो टाइम हमारा कम लगता है. देन इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. ऑब्वियसली पहले ही लाइन पे हम लोगों ने सीखा था कि इट इज़ अ फ्री वेयर, कहीं पर भी कोई भी चार्जेस हम लोगों को पे नहीं करने होते हैं. इट इज़ अ फ्री वेयर, दैट्स वाई इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव. फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने फीचर्स में भी देखा था कि फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब जो कोई भी अलग अलग लेवल के फॉर्मूलाज ऑलरेडी सेटअप है या फिर इंटरलिंकिंग फैसिलिटी की वजह से जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा हम लोगों को एक या मैक्सिमम दो बार वहाँ पे एंटर करनी होती है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली जनरेटेड कुछ प्री रिपोर्ट्स वहाँ पे मिलते हैं. नेक्स्ट आता है एक्सचेंज ऑफ रिपोर्ट्स. ऑब्वियसली जो रिपोर्ट जनरेट होते हैं वो एक तरह की यूनिवर्सल फॉर्मेट्स में होते हैं कि जो सभी कंपनी के जनरेट होते हैं एक तरीके से जनरेट होते हैं और जिन्हें हम लोग कंपेयर इजीली कर सकते हैं. तो ये थे हमारे एडवांटेजेस. आगे चलते हैं जो कि डिसएडवांटेजेस हैं. इनमें आने वाले चार या पांच पॉइंट, जिसमें से इट इज नॉट यूज बाय द पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज एज ऑफ नाउ. जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज हैं वो अभी तक यूज़ नहीं करती है, ये एक डिसएडवांटेज है. इन शॉर्ट उनका कहना ऐसा है कि जो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें से किसी किसी कंपनीज में इस तरह के XBRL स्टैंडर्ड्स अभी तक यूज़ नहीं होते हैं. देन टैक्स में भी रॉन्गली असाइन टू द फाइनेंशियल टर्म्स. कुछ कुछ टैक्स ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से या फिर इंडियन लॉज के हिसाब से जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं और ग्लोबली जो अकाउंटिंग टर्म्स होते हैं, मे बी फॉरन में किसी अदर कंट्रीज में उनके लिए अकाउंटिंग टर्म्स अलग अलग हो सकते हैं. तो XBRL जो प्रोवाइड किया जाता है, तो XBRL इस तरह से अलग अलग टर्म्स को अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग डिनोट कर सकता है, तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है. देन देर इज स्टिल अ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन द यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स. जो हमारी MCQ की वेबसाइट से इंटरलिंकेज होने की वजह से या फिर उसके अलावा जो कोई भी हम लोग यूज़ करते हैं XBRL स्टैंडर्ड्स, तो उन XBRL स्टैंडर्ड्स के लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से अलग अलग अकाउंटेंट्स यूज़ करते हैं और उन स्टैंडर्ड्स को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो मे बी वहाँ पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज आने के चांसेस होते हैं. देन डिसएडवांटेजेस में नंबर पॉइंट फोर है, रॉन्ग डेफिनेशंस मे बी गिवन टू अ सर्टेन फाइनेंशियल टर्म्स. जिस तरह से ऊपर दिया हुआ है टैक्स में भी, तो टैक्स जिस तरह से अलग होंगे उसी तरह से डेफिनेशंस भी अलग हो सकती है. कैसे? टैक्स मतलब क्या? बोरोड फंड्स, राइट? ये बोरोड फंड्स हमारी डेफिनेशन हो गई, बोरोड फंड्स के लिए टैक्सोनॉमीज हो गई. तो साथ ही साथ टैक्स क्या होगा कि टैक्स मतलब ओवरऑल असेट्स या लाइबिलिटीज या फिर इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ असेट्स, उसमें आने वाले जो डेटर्स बैड डेट्स, इनके लिए क्लासिफिकेशन के लिए अगर कुछ गलत टैक्स दिए गए तो मे बी हमारे फाइनेंशियल डेटा जो होगा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे वो फॉल्स मिसप्रेजेंट हो सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है, इट मे पोज द सिक्योरिटी रिस्क फॉर अ कंपनीज पब्लिकली रिपोर्टिंग देयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ऑब्वियसली हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं पर हम लोग डिस्क्लोज करते हैं तो वो हमारे लिए बिट रिस्की साबित हो सकता है. देन XBRL में यूज होने वाले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट या फिर एक डायग्राम यहाँ पर दी हुई है, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि XBRL में आने वाले डॉक्यूमेंट्स कहाँ कहाँ से आते हैं. एक अकाउंटिंग सिस्टम में से,
दूसरी एक्सप्लेनेटरी टेक्स्ट में से और तीसरी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन में से। इन सभी से मिली हुई जो इंफॉर्मेशन होती है उन इंफॉर्मेशन को हम लोग डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वहाँ पे पब्लिश करते हैं। कैसे पब्लिश करेंगे? तो सबसे पहले प्रिंटेड यूएस कैप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कैप के फाइनेंशियल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनके जो हिसाब से जो स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होते हैं वो, देन इंडियन कैप के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है वो प्रिपेयर होता है, साथ ही साथ में प्रिंटेड आईएएस एंड अदर गैप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो या फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो, उन सभी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंटेड होते हैं। साथ ही साथ रिपोर्ट्स में अगर देखें तो रेगुलेटरी फाइलिंग्स में आने वाले SEC या फिर SEBI के लिए, फेडरल रिजर्व के लिए, RBI के लिए या फिर अदर गवर्निंग अथॉरिटीज़ के लिए जो कोई भी फाइलिंग्स हमें मैंडेटरी होती हैं वो मैंडेटरी फाइलिंग्स भी यहाँ पर इजीली प्रोड्यूस होकर जनरेट होती है। वेबसाइट मतलब क्या कि जो SBI के डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारी कंपनी के वेबसाइट पे या फिर SBI की वेबसाइट पे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे वहाँ पर ईजिली लिंक हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट्स के लिए तो टैक्स रिटर्न्स जो हमारे होते हैं वो टैक्स रिटर्न यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और अदर मिनिस्ट्रीज के लिए जो यहाँ पर यूजफुल होता है उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट में आता है ट्रेड फाइलिंग्स। ट्रेड फाइलिंग्स मतलब जो हमारे टैक्सेशन से रिलेटेड, अब टैक्स रिटर्न कौन से होंगे, एक तो इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होगा या फिर इनडायरेक्ट टैक्स होगा, तो इनडायरेक्ट टैक्स के साथ साथ जो हमारे ट्रेड फाइलिंग्स मतलब ट्रेड से रिलेटेड फाइनेंस हो या फिर इन्वेस्टमेंट्स हो, ट्रेड से रिलेटेड फाइनेंस या फिर इन्वेस्टमेंट्स हो, इसके अलावा कुछ अदर जो हमारी डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए कंडक्ट करने के लिए जाने वाला वहाँ पे कुछ एडिशनल रिकॉर्ड्स हो वो भी सारे हम लोग यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे डॉक्यूमेंट्स। और सबसे लास्ट में अगर हम लोग SBI की प्रोसेस देखेंगे तो ये होती है फाइलिंग प्रोसेस। फाइलिंग प्रोसेस में क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और टैक्सोनॉमीज। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब क्या होती है? जो हमारी इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चाहे वो XML फॉर्मेट में हो, वर्ड फॉर्मेट में हो या फिर PDF फॉर्मेट में हो, वो सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, चाहे हमारे डेटर से रिलेटेड हो, क्रेडिटर से रिलेटेड हो, असेट्स सेल्स या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हो, वो सारी इंफॉर्मेशन और उन सभी से रिलेटेड जो डेफिनेशंस है जिसे हम टैक्सोनॉमीज कहते हैं, उन सभी को टैगिंग किया जाएगा। अगर टैगिंग करते हैं तो टैगिंग करने के बाद उनसे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हम लोगों ने ऊपर के लेवल में देखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग जनरेट करेंगे और उसे वैलिडेट करेंगे, और वैलिडेट करने के बाद में स्क्रूटनी के लिए भेज देंगे। एक ये तरीका होता है। और दूसरा, इसे हम लोग डायरेक्टली MCA की वेबसाइट पर पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं और अटैच करते वक्त फॉर्म नंबर 23AC और फॉर्म नंबर 23ACA में हम लोग अपलोड करेंगे इन अटैचमेंट्स को। तो अटैचमेंट जैसे ही हम लोग अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसे वैलिडेट होता है या फिर उसे हम लोग प्री स्क्रूटनी के लिए भेज सकते हैं। ऑफलाइन के लिए एक ही प्रोसेस अलग होती है कि हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करके फिर उसे वैलिडेशन करना होता है और सबमिट करना होता है। ऑनलाइन के लिए वही हम लोग एज अटैचमेंट अटैच करके MCA की वेबसाइट पे वैलिडेट कर सकते हैं और स्क्रूटनी के लिए भेज सकते हैं। तो ये थी हमारी XBRL की फाइलिंग प्रोसेस, जिसमें हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स भी देखे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देखे, यूजर्स कौन कौन होते हैं, एप्लीकेबिलिटी किन किन कंपनीज के लिए रहेगी, फीचर्स और इंट्रोडक्शन, इन बेसिक टॉपिक्स को हम लोगों ने आज XBRL पे यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है।